हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मम्मीज चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं आया, तो ब्लॉग लेकर आए हैं। छोटा सा ब्लॉग है, ब्लॉग में कुछ खास नहीं। यहाँ देख रहे हो आप लोग, मच्छी है जो भैया नदी से लेकर आए। भैया ही साफ किए, अब इसमें मम्मी हल्दी नमक अच्छे से मसाला लगा रहे हैं। कोई मसाला नहीं है, हल्दी नमक ही। अब इसको भून फ्राई कर ले रहे हैं तेल में, गर्मा गर्म सरसों का तेल, कढ़ाई, और बस मच्छी को छोड़ दिया। सब्सक्राइब कर दीजिए और लिख के आ रहे हैं, चलिए कर दीजिए फटाफट से। तो मच्छी को यहाँ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ सब्जी बनने के लिए आलू काट लिया, आलू को आलू के साथ बनेगा, मतलब आलू टमाटर के साथ। तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ध्यान रखिए कि टूटे ना। और ये लोकल मच्छी है, मतलब नदी से भैया खुद पकड़ के लाए, तो सोच ही रहो पकड़ने का एक अलग ही मज़ा। अब खुद बना के खाओ तो फिर उसका भी अलग ही मज़ा है ना। तो यहाँ पर मम्मी फटाफट से तल रही है, तल के हो गया, निकल रहा है, और थोड़ा सा मच्छी बच गया, उसको भी चलिए फ्राई कर लेते हैं। मैं नहीं कर रही, वैसे मम्मी कर रही है। कढ़ाई के कालापन को कृपया इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पे आलू डाल दिए, मच्छी फ्राई हो गया, आलू को भी डाल रहे हैं। अब इसमें ज़्यादा मसाला नहीं देंगे, नहीं तो मछली का जो भी पौष्टिक आहार होगा वो निकल जाएगा। इसीलिए वैसे भी ज़्यादा मसाला खाना तो हानिकारक होता है ना, इसलिए ज़्यादा मसाला नहीं खा रहे। तो यहाँ पर अभी हम लोग डाल देंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि हल्दी डाल दिया, ठीक है। तो मिर्चा का बदली डाल रहे, मिर्चा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जिससे थोड़ा कलर भी आ जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा और देंगे तो हरा मिर्चा देंगे तो झाल ज़्यादा हो जाएगा ना। यहाँ पे डाल रहे ये क्या नाम था, मैं भूल गई, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर भी डाल दिया। अब थोड़ा सा फ्राई होने के बाद डाल दिया टमाटर, अब झोल डाल दिया पानी। अब जब हल्का सा उबाल आने लगेगा तो डाल देंगे मच्छी को। अब देखिए हल्का हल्का उबल आ गया, चलिए अब डाल देते हैं मच्छी। मच्छी डालने के बाद जब अच्छे से उबल जाएगा और भी अच्छे से, मतलब देखिए साइड में हल्का सा उबला, तो अब डाल देते हैं मच्छी। ऐसे करके सिंपल तरीके से भी बनाकर खाकर देखिए अच्छा लगता है। हमेशा मसाला वसाला ये वो स्पाइसी इतना अच्छा नहीं लगता है। और ये जबकि खुद नदी से पकड़ा हुआ, मतलब बिना कोई मेडिसिन वाला मच्छी है। तो मेडिसिन देके भी रखते, बर्फ़ में रखते, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म बन के तैयार है, मतलब रेडी टू ईट, बस खा लो यार, आप ऐसा बोल रही है। चलिए तो खा भी लेते हैं, मैं नहीं खा रही, मम्मी खा रही है। चलिए देखिए अब मम्मी बताएंगे खा के कि कैसा हुआ। तो आगे पहले कुछ सब्जी से खा लिए, लास्ट में खा रही हूँ मच्छी। पीछे का जबरा देख रहे हो, वो कोला का मोचा होता है ना, कोला का फूल, वो लेकर आए कच्चा कोला, उसको साफ़ कर रहे थे इसीलिए। तो अब बता रही है कि बहुत अच्छा हुआ, आप लोग भी ऐसे खा कर देखिए, और मच्छी का आनंद ले रही है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी नदी पे मच्छी मारने जाते हो यानी ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो मम्मी के चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।